नमस्ते ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया गुड मॉर्निंग राधे राधे क्राति जी प्राची जी नमस्ते सुप्रभातम एंड अ वेरी लवली मॉर्निंग पीछे अगर आप देख रहे हैं कोमल जी राधे राधे राधे, राधे कृष्ण पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मिर्ची का पौधा दिख रहा है और मिर्ची अभी यहाँ पे लाल हो गए है आ, रमेश चंद्र जी गुड मॉर्निंग नमस्ते यस प्राची जी यू हैव कम ऑन टाइम आपके कुछ सवाल हो तो पूछिएगा कौन से विषय पे बात करनी है हमने ओके okay, एक कॉमन विषय जो मुझे अभी प्राची कोमल को देख के याद आ रहा है कि प्लांट्स के बारे में uh, मेरे पीछे भी यहाँ पे मुझे जो प्लांट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे ये मिर्ची का पौधा है तो सबसे पहले तो ये अभी लाल हो गए हैं मिर्ची uh, एक हम जो कहते हैं कि uh, हमने नैचुरल natural, नेचुरलिस्टिक होना है या निसर्ग के सानिध्य में हमने जीना है और निसर्ग के सानिध्य में हम अगर जिएंगे तो दैट इज़ इट्स अ सात्विक लाइफ सात्विक लाइफ यानी बी नेचुरल बी नो लोकल टोटली केमिकल फ्री इसका मतलब ये भी होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज आल्सो नॉट अ नेचुरल फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग का एक और तरीका है ना ये देखिए जो पीछे पौधे हैं पौधों के ऊपर से हमने फल है ये तोड़ने भी नहीं होते हैं क्योंकि निसर्ग ऐसा बना होता है कि जब वो फल पीक जाता है पीकने के बाद में वो अपने आप आ, हमें वो फल दे देता है वो फल छोड़ देता है या तो फिर वो झुक जाता है वैसे ही आम देखिए या अभी जैसे ये देखेंगे आप ये मिर्ची आपको दिख रही है ना ये हरी मिर्ची है मैंने तोड़ी नहीं है ये हरी मिर्ची तोड़ी नहीं है अभी ये लाल मिर्ची हो गई है और अभी ये अपने आप गिर जाएगी तो हमारे सेहत के लिए लाल मिर्च ही अच्छी होती है तब निसर्ग उसे पूरा पका देता है पूरा वो पूर्ण हो जाता है पूर्ण मदह पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदत पूर्ण मुदच्यते पूर्ण जब हो जाता है और वो जब हम सेवन करते हैं तो वही भाव हम में भी आते हैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूँगी नारियल नारियल का पानी हम लोग जो पीते हैं बाहर तो जो नारियल का पानी ग्रीन कलर का नारियल होता है वो राइप नहीं होता है देखिए निसर्ग ने वो नारियल भी एक्चुअली ऐसे बनाया है कि उसे बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर बहुत ऊपर बनाया है बहुत ऊपर लगाया है और उसका जो बाहर का कवर है ये भी बहुत कड़क होता है उसका मतलब क्या है उसका मतलब ही ये है कि हमने वो अभी नहीं लेना है और जब वो नारियल पीक जाता है पीकने पकने के बाद में आ, अपने आप वो नारियल छोड़ देता है नीचे गिर जाता है और तब वो हमारे सेवन के लिए एकदम सही होता है तब आप देखेंगे नारियल पकने के बाद का जो पानी है ये बहुत ज़्यादा अल्कलाइन और हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा होता है एज कंपेयर टू एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नारियल का पानी जो हम पीते हैं बाहर ग्रीन कलर के नारियल का उसके कंपैरिजन में पके हुए नारियल में जो भी थोड़ा सा होता है उसमें बहुत Uh, ज्यादा क्वालिटीज uh, होते हैं यस गुड मॉर्निंग रजत जी अनीता जी uh, ओम नमः शिवाय प्राची जी जानना चाह रही है हिपिसकस की चाय कैसे बनाते हैं uh, सबसे पहले तो है ना हम लोग जो भगवान को हम जो अर्चना करते हैं जैसे हम लोग फूल जो चढ़ाते हैं झेंडू के फूल यानी हम जो गेंदा फूल कहते हैं मैरीगोल्ड फूल या हिबिस्कस के फूल जो होते हैं हनुमान जी को हम चढ़ाते हैं ये सारे फूल आ, ऐसा हमने एक प्रथा बनाई थी हमारे एंशियंट कल्चर में कि एक तो फूल चढ़ाइए आप भगवान जी को पूजा अर्चना करिए और इसके बाद में ये जो फूल होता है ये आपने कचरे में नहीं डालना होता है निर्माल हम कहते हैं ना कि उसका आ, हमने अलग से उसको हमने ट्रीट करना होता है इसका कारण ही ये था कि ये सारे जो चीज़ है ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे है तो हमने उनका सेवन करना चाहिए तो इसकी आप चाय बना के पीजिए और वो चाय बनने के बाद में भी जो बचता है ना उसका आप घर ही घर में कंपोस्ट बनाइए और वही कंपोस्ट में से फिर आप देखेंगे तो आपके घर के अंदर ही इतना सुंदर पेड़ पौधे आ जाएंगे तो आपको ना कोई खत की ज़रूरत है नेचुरली आप उगा सकते हैं इनके लिए एक हेल्दी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एटमोसफियर क्रिएट करते हैं हिबिस कर की चाय आपको पीना है सबसे पहले आ, मैं आपको क्वालिटीज़ बताती हूँ कुछ चीज़ों की तो आपने आपकी रेसिपी बनानी है जैसे आज का एग्जाम्पल देती हूँ तीन चार दिन से मैं बहुत ज्यादा बिजी थी हमारा एक एमएसएमई मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था तो मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई आज मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे साइनस महसूस हो रहा है ओके तो क्या करना है मैंने आज जो किया है ये आप भी कर सकते हैं पर आप आपके हिसाब से आप आपका रेसिपी बनाइए हमारे जो फूल है हिबिस्कस या हिबिस्कस ने अपना गेंदा फूल झेंडू झेंडू के फूल गेंदा फूल इसके साथ में तुलसी के पत्ते लिए हैं कृष्ण तुलस और राम तुलस उसके साथ में एक काली मिरी एक लवंग आ, एक दालचीनी का इतना सा छोटा सा पीस और ये सब मैंने अभी काढ़ा बनाने के लिए पानी के अंदर उबाल लिया इसके साथ में अदरक था एंड इसके साथ में ये नेचुरल हमारा आ, लेमन ग्रास गवती चाह इसको उबाल लिया तो ये कंजेशन के लिए हेल्प करता है स्पेशली दी जिंजर एंड तुलसी सर्दी खांसी है आपको तो इसके ऊपर ये तुरंत रहा देता है हिबिस्कस भी आपको ऐसे ही करना है तो हिबिस्कस के क्वालिटीज़ है कि आपको ये सर्दी खांसी के लिए अच्छा है स्किन टेक्सचर के लिए बहुत अच्छा है आप जब अंदर से सेवन करते हैं तो हम कहते हैं ना कि स्किन के ऊपर ऊपर से कुछ लगाने से अच्छा है कि रूट्स के ऊपर आपने ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसे पेड़ पौधों को अगर कुछ हो जाता है तो उनके रूट्स पे ही ट्रीटमेंट होता है तब वो अच्छे से पूरी तरीके से आ, ट्रीट हो सकेंगे तो उसको उबाल लीजिए फिर छान लीजिए छानते वक्त आप उसमें एक चम्मच गुड़ डाल सकते हैं स्वाद के लिए आप नींबू डाल सकते हैं नींबू बाहर एसिडिक होता है शरीर में जाने के बाद अल्कलाइन हो जाता है तो आपके टेस्ट के हिसाब से चाय बनाइए एंड एन्जॉय करिए एंड एक मंडला के बारे में पूछ रहे हैं अनीता जी मंडला आर्ट जो है ये आ, हम लोग चलिए मैं आपको एक बताती हूँ अभी ओके ये जो एक है आ, ये अगर आप देख रहे हैं ये अभी मैं बना रही हूँ ये प्रोसेस में है इसको इस पर काम चल रहा है इसका मंडला के अलग अलग मीनिंग होते हैं हमारे पास दो मिनट है हम ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें आप देख रहे हैं तो एक सेकेंड में कैमरा रोटेट कर लेती हूँ इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ट्रायंगल्स नीचे जा रहे हैं एंड फोर ट्रायंगल्स ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं शिव और शक्ति को जो ऊपर जा रहे हैं ये है शिव शक्ति जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ये है हमारी फेमिनाइन एनर्जी तो ये मेल एंड फीमेल का बैलेंस होता है इसके अंदर फर्स्ट जो सर्कल है इसमें है एट पेटल्स ऑफ लोटस और साइड में है ये है सिक्सटीन पेटल्स ऑफ लोटस बाहर इनके भी मीनिंग है ये है हमारे पाँच सेंसेस uh, जिससे हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं और है हमारा माइंड बॉडी एंड इंटेलेक्ट इसके बाद में ये हमारे पृथ्वी का एक रिप्रेजेंटेशन है स्क्वेयर और ये जो चार द्वार है ये चार द्वार है जिसके अंदर से चीज़ें हमारे पास में आते हैं और सेंटर में जो है ये हम हैं हम अहम ब्रह्मास्मि यहाँ से अभी तक मेरी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है पेंसिल से आप लाइट लाइन देख रहे होंगे तो ये फाइव लाइंस आपको दिख रहे हैं तो दीज आदि फाइव एलिमेंट्स जिससे हम बने हुए होते हैं ऐसा ये बहुत ज्यादा डिटेल में है और ये काम करते वक्त भी ये हम जब बनाते हैं तो हर एक लाइन के अंदर मीनिंग होता है दिस विल ऑल्सो हेल्प यू गेट स्ट्रेस फ्री टेंशन फ्री एंड अभी भी इवन कैमरा के अंदर से अगर आप फोकस करेंगे इस सेंटर के पॉइंट के अंदर तो आपको ये आपका पूरा यूनिवर्स का महसूस होगा इसमें थ्री महसूस होता है तो ध्यान करते वक्त भी ये मंडला ध्यान भी एक होता है जिसमें आप सेंटर में फोकस करके और ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है हमारे यूनिवर्स का तो आप कनेक्ट हो जाते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं जानता है पर हमारा सब माइंड ये जानता है और हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं तो दैट इज़ वॉट इन शॉर्ट मंडलाइज आपके और भी अगर सवाल हो तो लिखते रहिएगा हम कल दोबारा लेते हैं एंड uh, कुछ और सवाल है तो हम लोग और uh, दो मिनट है फास्ट देखते हैं जी जागृति जी नमस्ते सुप्रभातम आपके क्वेश्चंस के रहा में गेंदे के फूल डार्क सर्कल्स के बारे में बताइए आइस के नीचे के जो होते हैं ओके वेरी नाइस डार्क सर्कल्स ये एक तो ऊपर ऊपर से भी ट्रीट कर सकते हैं बट जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है ये गहरा अंदर से ही होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट हम कहते हैं ना कि उसके ऊपर आप जो ऊपर ऊपर का जो ट्रीटमेंट होता है कि आप Uh, उसमें भी जो नेचुरल है एक तो आर्टिफिशियल केमिकल वाला आता है या बहुत सारे क्रीम्स आते हैं जो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ये तमस होते हैं तामसिक क्वालिटीज़ होते हैं नैचुरल uh, उसमें भी जो है जो आउटर है बट uh, फिर भी यानी तामसिक नहीं है ये है कि आप काकड़ी का रस या तो फिर uh, पोटैटो का रस इसके आप या स्लाइसेस बना के आप रख सकते हैं उसका पैडिंग uh, कर सकते हैं अदरवाइज सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ दैट इंटरनल चेंज करिए आप अंदर से पूरे तरीके से आप आ, स्ट्रेस फ्री हो जाइए आपके खाने पीने के ऊपर ध्यान दीजिए और विटामिन ई e का सेवन करिए विटामिन ई e का जो नेचुरल क्रीम आता है ऑयल आता है वो आप लगा सकते हैं केमिकल फ्री वाला या सबसे इम्पॉर्टेंट इस रूट के ऊपर ट्रीटमेंट होना चाहिए तो आप रूट के ऊपर भी आ, आप जब सेवन करेंगे तो वो ले सकते हैं Yes, uh, सात्विक सात्विक के बारे में uh, सात्विक हमारे तीन गुण होते हैं जैसे हमने गीता में भी बहुत में देखा है त्रै गुण्य विषयान वेदान निस्त्रुण्यो भवुन निर्द्वन्द नित्य सत्वस्तो निर्यो क्षेम आत्मवान जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषयान पुमसाम कि हमारे तीन गुण होते हैं तो सबसे पहले तो होता है तमस गुण फिर होता है रजस गुण और सतगुण और इसके बाद में फिर होता है पूरी सात्विकता सात्विक, सात्विक लाइफस्टाइल और इसके बाद में होता है निर्गुण तो ये पांच फेजेस है हमारे जन्म के पहले यानी मनुष्य रूप के अंदर आने से पहले हमने 84 लाख लैख योनी में से हम गुजरे हैं और सबसे पहले जब आते हैं तो होता है रजस क्वालिटी होता है जो आई uh, एम सॉरी तमस क्वालिटी होता है यानी तामसिक दैट इज़ नेगेटिव क्वालिटी वहाँ से फिर हम आते हैं रजस के अंदर विच इज़ न्यूट्रल इट इज़ नॉट पॉजिटिव एंड नॉट निगेटिव ऑल्सो तो ये न्यूट्रल होता है फिर हम लोग सदगुण में आते हैं सदगुण इज़ पॉजिटिव क्वालिटी उसके बाद में होता है सात्विकता और उसके बाद में होता है निर्गुण यहाँ पे भी जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना अर्जुन को निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान यानी योग में स्थिर होने के लिए जरूरी है कि हम um, ये सारे जो तीन क्वालिटीज हैं इसके भी परे चले जाए इसके भी ऊपर चले जाए और निर्गुण हो जाए सो दैट इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ योगी वेर वी आर इन बैलेंस एंड द रियलाइजेशन ऑफ़ अहम ब्रह्मासमी यस जुड़े रहने के लिए शुक्रिया नमस्ते कल दोबारा मिलेंगे आठ बजे ही आठ से आठ दस आठ सवा आठ तक हम लोग यहीं आपके सवाल होंगे तो हम देखेंगे ओम सर्वे भवतु सुखी सर्वे संतु निरामया नमस्ते